अभी तक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में 1 से लेकर 6 तक सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और सॉल्व कर लें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 7 सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको पता है एक्सरसाइज 1.1 में चाहे कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सेट और रिलेशन। तो क्वेश्चन 7 पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे सेट और रिलेशन लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इक्वल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। आगे लिखा है इज एन इक्वावेलेंस रिलेशन। यहाँ पर आपको इक्वावेलेंस दे रखा है, मीन्स आपको प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है इक्वावेलेंस रिलेशन। अगर इक्वावेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो आपको सीधी सी बात पता है, 3 डेफिनेशन आपको क्या बताना, ट्रू मीन्स रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आपको बताना है, तभी आप लिख सकते हो आर क्या है, इक्वावेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट और रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सॉल्व, देखो इसका गिवन दैट में सेट आपको दे रखा ए, ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशन सेट बता दिया है, सेट का नाम भी बताया ए है। तो यहाँ से लिखना है द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, यही लिखो जो क्वेश्चन में लिखा है, द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ठीक है। तो ये आपको सेट लिखना पड़ेगा, इतना क्या लिखना पड़ेगा, द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। फिर उसके बाद आपको रिलेशन लिखना है, रिलेशन एक्स का वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कंडीशन क्वेश्चन में मिल जाती है एक्स एंड वाई, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ये कंडीशन है। जब रिलेशन आर में कंडीशन मिल जाती है तो आपको पता है रिलेशन आर में थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, क्या बढ़ाएंगे, वेयर एक्स कमा वाई, ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, सेट ए में, ठीक है। इतना आपको ऐसे करके लिखना है, यही आपको बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सेट ए में कि एक लाइब्रेरी है कॉलेज के, शॉप की लाइब्रेरी नहीं है, कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक्स आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर रिलेशन आर में आपको बुक्स के नाम बता दिए गए हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। एक बुक्स है एक्स, आपको बता देते हैं, एक बुक्स है एक्स और दूसरी बुक्स है वाई, ठीक है, रिलेशन आर में बताया है। लेकिन सेट ए में बहुत सारी बुक्स हैं, लाइब्रेरी कॉलेज में है तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रिलेशन आर में केवल और केवल आपको दो बुक बता दी हैं एक्स एंड वाई, और दोनों बुक में बताया गया सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि इक्वल, फिर कॉन्ग्रेंट, सिमिलर और पैरेलल, ये आपको चार कंडीशन पता हूँ, क्योंकि ये चार कंडीशन क्या बताती हैं, 3 डेफिनेशन ट्रू बताती हैं, मीन्स आर जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, जब ही ये कंडीशन आपको रिलेशन आर में मिल जाए। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेम लिखा है, सेम का मीन्स है कि इक्वल, ठीक है। तो इस रिलेशन आर को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली में इसे लिख लेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में है, तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब डेफिनेशन आपको बताना है, 3 डेफिनेशन बताओगे टाइम लगेगा ना, तो आपको कैसे लिख लेना है हम आपको बता रहे हैं, एक्स का वाई सच दैट एक्स इक्वल वाई, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि जो बुक्स एक्स है और वाई उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम टू सेम है, तो यहाँ पर सेम का मीन्स है इक्वल आपको ले लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या लिख लेना है, वेयर एक्स का वाई, ये दो बुक, यहाँ पे एलिमेंट कह सकते हो, बुक कह सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है बुक, तो बुक्स ये दो एक्स एंड वाई दो बुक्स हैं, किसमें बिलोंग करेंगी, सेट ए में, ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। इस पे अगर काम करोगे एक्स इक्वल वाई पे तो कम टाइम लगेगा, और जो कम टाइम लगेगा तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
सीधी सी बात है, इक्वल, हाँ ये तो आपको बताना भूल गए हैं, इक्वल, कॉन्ग्रेंट, सिमिलर और पैरेलल, अगर ये दिख जाए तो थ्री डेफिनेशन ट्रू होती हैं, मीन्स इक्वलेंस रिलेशन ऑलवेज होगा। तो यहाँ पे आपको इक्वल है ना, क्योंकि इक्वल कहाँ से आया, सेम है ना, नंबर ऑफ पेजेस, तो इक्वल यहाँ पे हमने लिख लिया है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में हमको आर दिया गया था, आपने क्या किया, इक्वल से काम करेंगे, ठीक है। तो इसे हम रफ कर देते हैं, आपको पता है थ्री डेफिनेशन आपको ट्रू ही बताना है, तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब पहली डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको कैसे लिखना है आपको पता है, क्योंकि जब कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्यों कंडीशन से ही सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको दो टाइप आते हैं, हम आपको बता देते हैं, सेट अगर कैसा हो, फाइनाइट, अगर सेट फाइनाइट है देन सॉल्व बाय पेयर, क्वेश्चन पेयर से सॉल्व करेंगे, अगर सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, देन सॉल्व बाय कंडीशन। तो आपको ये दो टाइप आना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो टाइप आ गए ना आपको, एक्सरसाइज 1.1 का है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ना, ये मेरा आपसे वादा है। तो फर्स्ट टाइम में क्या चेक करना है, सेट अगर फाइनाइट है तो पेयर बनाकर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये कंडीशन आपको दिख रही है, इसी कंडीशन से पेयर बन जाते हैं, जब सेट कैसा हो, फाइनाइट हो, लेकिन जब सेट कैसा हो, इनफाइनाइट हो, तो कंडीशन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये कंडीशन है, इसी कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोगों को देख लेना है ये सेट कैसा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनफाइनाइट सेट, अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, सेकेंड टाइप से, मीन्स कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, सिमेट्री रिलेशन में, ट्रांजिटिव रिलेशन में, लिखोगे कैसे, पेन कैसे चलाओगे, ये तो आपको पता हो। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हाँ जब कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा y इज रिप्लेस y ax, क्योंकि क्वेश्चन x y में है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा y इज रिप्लेस y x, ठीक है। अगर क्वेश्चन ए बी में होता तो b इज रिप्लेस y a लिखते हैं, तो इसका मीन्स ये है कि y के स्थान पर आपको x रखना है इस कंडीशन में, तो आपको x इक्वल x मिल जाएगा। ये बताओ ये कंडीशन ट्रू है मेरे भाई, क्योंकि x इक्वल x होगा, नंबर ऑफ पेजेस किसके बुक है ना, यहाँ पे आपने देख लिया x इक्वल x, मतलब दो बुक्स हैं जिनका नाम क्या है, सेम टू सेम है। जैसे आप क्लास 12 की ही मैथमेटिक्स ले लो फर्स्ट बुक, ठीक है, मैथ की ले रहे हैं, तो मीन्स अगर सेम टू सेम है तो उसमें पहला पेज और पहला पेज देखेंगे ना दोनों बुक का, क्योंकि सेम टू सेम बुक हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना, तो ये कंडीशन कैसी रहेगी, ट्रू रहेगी। जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये पेयर जो है बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के जो पेयर होते हैं आपको पता है अब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल, तो एक्स गामा एक्स इस कंडीशन से लिखा है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये बिलोंग करेगा आर में। फिर इसके बाद फॉर एवरी के बाद क्या लिखा जाता है, एलिमेंट आपको कहाँ से मिल जाएंगे, पेयर से, पेयर में क्या देगा एक्स, ये जो है एक्स बिलोंग करेगा सेट ए में, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स ले लेना है। अब आपको और भी काम करना है, कैसे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा वाई इज रिप्लेस वाई एक्स, ऐसे ही आपको लिखना है एक्स इज रिप्लेस वाई वाई, मीन्स है एक्स के स्थान पे वाई रखना है, तो वाई इक्वल वाई, ये भी कंडीशन कैसी रहेगी, ट्रू रहेगी, क्योंकि ये ट्रू है तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो आपको वाई कामा वाई, ये जो पेयर है आर में बिलोंग करेगा। फिर इसके बाद फॉर एवरी के बाद क्या लिखा जाता है, एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे, ये पेयर दिख रहा है यहीं से, तो वाई किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में, तो यहाँ पे ये हमने बॉक्स ले लिया,
ठीक है, तो ये भी पेयर बिलोंग कर रहा है आर में, ये भी कर रहा है। जब आर में बिलोंग कर रहा है तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आपको हम लिख कर बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसे हम रफ कर देते हैं। तो इसके बाद कैसे लिखना है आपको, इम्प्लाई दैट आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन द सेट, सेट जो गिवन है ना ए, वही आपको लिखना है। ये डेफिनेशन फर्स्ट क्लियर हुई, अब आपको सेकंड डेफिनेशन क्लियर करवाएंगे, तो इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन में आपको सीखना है कि कैसे पेन चला हुए हैं, क्योंकि जब कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इतना याद रखना, क्वेश्चन अगर एक्स वाई का है तो एक्स इज रिप्लेस वाई बाई वाई इज रिप्लेस वाई एक्स, ऐसा लिखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सेकंड डेफिनेशन क्लियर करना है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में आपको पता है जब भी आप कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करो तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, जो आर में कंडीशन होती ना वो गिवन होती है। जैसे फार्मूला अगर नहीं पता तो आपको बता देते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, फिर इम्प्लाई दैट वाई कामा एक्स, क्योंकि ये पेयर आपको आर से लेके चलना है और इसी पेयर को जब हम पलट देते ना तो वाई कामा एक्स आर में मिलना चाहिए। मीन्स ये आंसर सीट अगर आर में बिलोंग कर रही है तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आपको पता है पेयर बाद में लिखते हैं, पहले कंडीशन, तो कंडीशन आपको कैसे लिखना है, एक्स इक्वल वाई, ये तो आपको आर में यहाँ पे आपको लिखकर बताई थी एक्स इक्वल वाई, इस कंडीशन से आपको ये पेयर मिल जाएगा, क्योंकि ये पेयर आपको लेके चलना पड़ता है मेरे भाई सिमेट्री रिलेशन में। तो इस कंडीशन से आपको क्या लिख लेना है, ये पेयर, फिर इसके बाद इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट के बाद ये पेयर अगर आर में बिलोंग करेगा तो सिमेट्री रिलेशन होगा, लेकिन पहले कंडीशन उसके बाद पेयर लिखना है। तो अगर एक्स इक्वल वाई है तो अगर हम इसे पलट देते हैं, बाई को एक्स कर देते हैं, तो ये ट्रू रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स और बाई, एक्स क्या है बुक्स है और बाई क्या है ये भी बुक्स है, अगर एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेज क्या है इक्वल हैं मेरे भाई, जब इक्वल हैं चाहे एक्स पहले लिखो बाई बाद में लिखो, चाहे आप बाई पहले लिखो एक्स बाद में लिखो, नंबर ऑफ पेजेस कैसे रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे मेरे भाई। तो इसीलिए ये कंडीशन कैसी रही, ट्रू रही। तो इस कंडीशन से आपको ये आंसर सीट लिख लेना है, वाई कामा एक्स ये बिलोंग करेगी आर में, क्यों करेगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू है फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, वेयर, वेयर के बाद एलिमेंट, एलिमेंट कहाँ से लिखोगे, ये दो आपको पेयर दिख रहे हैं यहीं से एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो पेयर में आपने क्या देखा, एक्स कामा वाई देखा, वाई कामा एक्स, अरे मेरे भाई चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग एक्स कामा वाई ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, सेट ए में, एलिमेंट बोल सकते हो या बुक्स बोल सकते हो, क्योंकि सेट ए क्या है, लाइब्रेरी, कॉलेज में लाइब्रेरी है उसी में आप बुक्स का यूज कर सकते हो लाइब्रेरी में, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी में आपने दो बुक्स ले ली हैं एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर एलिमेंट बोलेंगे या आप बुक्स बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट वाई कामा एक्स ये किस में बिलोंग करेगा, ये पेयर आर में ही करेगा बिलोंग, ठीक है। तो आपको ये आंसर सीट आपको दिख रही है, ये बिलोंग कर रही है आर में, तो बता देना है आर कैसा होगा, सिमेट्री रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो आपको फार्मूला आता है, ठीक है। तो क्या लिख देना है यहाँ पे, आर इज ए सिमेट्री रिलेशन इन द सेट, सेट जो गिवन है ना ए, वही लिखना है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, अब आपको ट्रांजिटिव रिलेशन थर्ड डेफिनेशन जो है क्लियर करवाएंगे। वीडियो को पूरा पूरा देखा करो, क्योंकि पूरा देखोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा आपके। अगर मैथ में आपको 100 में 100 मार्क्स चाहिए हैं तो मेरे भाई ए टू जेड पढ़ना सीखो, क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट से केवल और केवल 75 या 80, इससे ज़्यादा मार्क्स ला ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो ए टू जेड पढ़ना सीखो, ठीक है। बाद में हम आपको, पहले तो
और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक आपको कंप्लीट करवाएंगे सिलेबस। उसके बाद सैंपल पेपर, आप सैंपल पेपर भी पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे पेपर की। तो यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए कौन सी है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो लास्ट डेफिनेशन आपको क्लियर करवाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब आपको फार्मूला पता हो ट्रांजिटिव रिलेशन का, नहीं पता ना, लिख देते हैं, क्योंकि सिमेट्री रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन सेम टू सेम है, लेकिन सिमेट्री रिलेशन में एक पेयर आपको आर से लेके चलना पड़ता है, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको दो पेयर लेके चलना पड़ेंगे। फार्मूला आपको बता रहा है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, फिर एंड सेकेंड पेयर किस पे डिपेंड रहता है, फर्स्ट पेयर पे, क्योंकि यहाँ पे वाई है ना, तो सेकेंड पेयर वाई से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो वाई यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी ले लो, बाद में क्या ले लें, जेड ले लो, ठीक है। ये दो पेयर ऐसे करके आपको लेके चलना है आर से, फिर इसके बाद इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट के बाद वाई से वाई क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, फिर आपको स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला लिख देना है, एक्स कॉमा जेड, ये जो है आर में अगर बिलोंग करेगा लास्ट वाला पेयर तो आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अगर ये पेयर बिलोंग नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो आपको पता है पहले कंडीशन, पहले क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन कैसे लिखोगे, एक्स इक्वल वाई, ठीक है, ये तो आर में गिवेन है, तो इस कंडीशन से ये पेयर आपका लिख जाएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। फिर इसके बाद आपको पता है एंड, एंड लिखा जाता है पहले कंडीशन, पहले क्या करो कंडीशन, उसके बाद आपको पेयर लिखना है, मीन्स फार्मूला लिखना है। तो जब एक्स इक्वल आपने वाई लिखा, ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में एक एलिमेंट और बढ़ा लेना है, थर्ड जेड बढ़ा लो, एलिमेंट, एलिमेंट बोलेंगे या बुक्स, क्योंकि एक्स एंड वाई दो बुक्स हैं रिलेशन आर में, तो एक बुक्स और बढ़ा सकते हो जेड। तो जब जेड बढ़ा ली तो वाई इक्वल जेड, ठीक है, फिर इसके बाद इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट के बाद ये पेयर लिखना पड़ेगा। तो अभी तक आपको दो पेयर मिल गए हैं, कौन से, एक इस कंडीशन से और y इक्वल जेड से, ये पेयर सेकेंड वाला मिल जाएगा, क्योंकि ये गिविन है ना मेरे भाई, तो ये तो आपको r में मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट के बाद ये पेयर आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले कंडीशन, कंडीशन आपको x और z में, x और z में कंडीशन आपको लिखना पड़ेगी। तो एक बात बताते हैं, जैसे x इक्वल वाई है, y इक्वल जेड है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल, इस y की वैल्यू किस में रख, इस y की वैल्यू इसमें रखो, तो रखेंगे ये z यहाँ पे आ जाएगा, बताओ ये कंडीशन लास्ट वाली जो है बन गई ट्रू। तो ऐसे करके आपको कंडीशन लिखना है, फिर आपको रिपीट करके बताते हैं, जैसे y की वैल्यू y इक्वल जेड है ना, ये y इक्वल जेड यहाँ पे रखो वैल्यू y के, तो x इक्वल जेड आ जाएगा। जब x इक्वल जेड आ जाएगा मेरे भाई, तो x इक्वल जेड से ये पेयर लिख जाएगा, देखो कैसे, x कामा जेड ये जो है बिलोंग करेगा r में, क्योंकि कंडीशन में क्या इक्वल है ना, आपको पता है कि अगर इक्वल है तो ये कंडीशन कैसी है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये पेयर जो है लास्ट वाला आर में बिलोंग करेगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, वेयर, वेयर के बाद एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो इसे हम रफ कर देते हैं, एलिमेंट कैसे लिखोगे, थर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं 1 2 3, तो थ्री पेयर से आपको एलिमेंट लिखना है, मीन्स बुक्स लिखना है। तो एक्स वाई और जेड, क्योंकि एक्स वाई आर में दो बुक्स पहले से थे, जेड आपने बढ़ाई है, तो तीन बुक्स हैं, ये तीन बुक्स जो हैं किस में बिलोंग करेंगी, सेट ए में करेंगे। तो यहाँ पर बॉक्स, बॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि बॉक्स में फार्मूला दिखाना पड़ेगा। तो लास्ट आंसर सीट आपको दिख रही है आर में है, तो आर कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, इन द सेट कैपिटल ए, जो सेट गिवन है ना वही लिखते हैं। अब आपको फर्स्ट डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन, तीनों ही रिलेशन आर हैं, तीनों ही रिलेशन आर में ट्रू हैं, तो आपको क्या करना है, अब मिक्स करके लिखना है। हेंस पहले आपको मिक्स करके इम्प्लाई दैट लिखना है, कैसे लिखना है अब आपको बता देते हैं। आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव, कामा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन इन द सेट ए। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आर जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तीनों डेफिनेशन कैसी हैं, ट्रू हैं। तो आपको पता है जब तीनों डेफिनेशन कैसी हो, ट्रू, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है हेंस आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इन द सेट इतना आपको लिखना पड़ेगा जब कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो।